नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। नजर डालते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। एनआईए की चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा का क्लीन चिट, विपक्षी दलों ने एनआईए के कदम पर जताया ऐतराज। और मानहानि मामले में जेल जाने का प्रावधान बना रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी और अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनाया फैसला। तो आज का पहला मुद्दा, साध्वी प्राची को मिल गई है क्लीन चिट, मकोका उन पर से हटा लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, साध्वी प्रज्ञा जो है उन पर से जो है मकोका हटा दिया गया है। कर्नल पुरोहित को लेकर के हालांकि अभी मामला चल रहा है, लेकिन मकोका उन पर से भी हटा लिया गया है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले जो है वकील की तरफ से जो बयान दिया गया है वो सुनते हैं। एनआईए ने चार्जशीट फाइल की है और उसके साथ तीन एप्लीकेशन मूव किए। तीन एप्लीकेशन में कुछ सीक्रेट विटनेस है जिनके नाम और एड्रेस की आइडेंटिफिकेशन छुपाने में आई है और वो कवर उनका जो उनके लगते जो मुद्दा माल था वो भी इसको सीक्रेट रखने की एप्लीकेशन दी हुई है। कोर्ट ने क्या इस पे अपना संज्ञान लिया? कोर्ट ने इस पे ऑर्डर किया है कि वो जो इनकी एप्लीकेशन थी इसको अलाउ की है। इसके अलावा आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, तमाम विपक्षी दल क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं, वो टिप्पणियां भी सुनते हैं। मैं केंद्र सरकार से इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें मालूम है कि आप उनका बचाव करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपके संबंध उन सब लोगों से हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, लेकिन कम से कम हेमंत करकरे जैसे एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर आतंकवादियों से लड़े, उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने झूठे प्रमाण तैयार किए, ये निंदनीय है। मेरा ये आरोप है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऊपर, प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर, कि वे आतंकवादी गतिविधियों में संघ के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए वे पुलिस पर, एनआईए पर, पुलिस अफसरों पर दबाव डाल रहे हैं। मैं निंदा करता हूं एनआईए के उस बयान की जिसमें हेमंत करकरे जैसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ शहीद के ऊपर निंदनीय आरोप लगाए हैं, मैं इस बात की निंदा करता हूं। यह गजब है, जिसकी सरकार बनती उसकी एनआईए हो जाती। पहले ये सारे लोगों कह रहे थे कि इन्होंने वहाँ मालेगांव में ब्लास्ट किया है, अब ये नई एनआईए है, अब ये कह रहे नहीं किया है, तो ये देश इस तरह नहीं चलेगा। ये इसलिए देश जो है वो 70 वर्ष में नहीं बन पाया कि हमारा जो ईमान है वो ईमान जैसा टिका नहीं रहता। मालेगांव में का जो मामला है ये काफ़ी महत्वपूर्ण व अति गंभीर भी है, सेंसिटिव भी है। और ख़ास तौर से जो मैं कल से जो मीडिया में देख रही हूँ कि वो जो प्रज्ञा का जो है वो नाम वहाँ उसमें से हटा दिया है कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अभी तक जो मीडिया के माध्यम से जो भी तथ्य सामने आए हैं तो उसका हमें काफ़ी हद तक उसमें उसका हाथ नज़र आता है। तो यदि बीजेपी के नेतृत्व में सेंटर में सरकार चल रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके यदि जो दोषी लोग हैं यदि उनको इस तरीके से बचाया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये नई सरकार का पॉलिटिकल मैसेज भी है और जो पिंजरे में बंद तोते हैं, जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ये उनका भी रुख है। अब किसी भी दुखी आदमी को इंसाफ मिलने की उम्मीद ना के बराबर होगी। कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, उसे चलने देना चाहिए, जो अदालत तय करती करते ही आपको अदालतों पर छोड़ देना चाहिए ये मामला। इस तरह मुकदमे वापस लेना बीच में जबकि उसमें प्रक्रिया चल रही हो, ये तो कभी सुना नहीं गया आज तक भारत में।
तो विपक्षी दलों की तरफ से एक के बाद एक अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं हमने सुनाई, किस तरीके से सरकार को लेकर के एनआईए को लेकर के टिप्पणी की गई, लेकिन सरकार की तरफ से भी टिप्पणी आई है। क्या कुछ कहना है चौधरी वीरेंद्र सिंह का, वो सुनिए। कमेटी गठित की थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी होगी, आप उसमें स्टेट का क्या रिएक्शन होएगा, स्टेट क्या बोलेगी क्या करेगी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि जो जिस तरह के घटनाक्रम था उसमें ये तो ज़रूरी था जानना कि कौन लोग हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का एक किस्म से ब्रेकडाउन हुआ है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं उन्हीं की वजह से होता है। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ राम सागर जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ वरिष्ठ राजनेता, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हरिकेश बहादुर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका है। पुष्पिन कुलशेष जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिलीप के सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि इस तरीके से सरकार बदलने पर अगर एनआईए और एटीएस जैसी एजेंसीज की जांच का रुख बदलता है तो इससे क्या विश्वसनीयता जो है कितनी बनी रहेगी, इसको लेकर के भी सवाल है। और क्या राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर एजेंसियां काम करती हैं, ये तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से जांच भी बदलती रहती है, क्योंकि इसी एनआईए ने जो है सुप्रीम कोर्ट में बेल का विरोध किया था, अब वही एनआईए जो है क्लीन चिट दे रही है। दिलीप जी, बड़े सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर के, या तो उस समय गलत हुआ या इस समय गलत हो रहा है। कैसे जो एक आम इंसान है जो भरोसा करता है एटीएस एनआईए जैसी एजेंसियों के ऊपर, उसको उसके लिए कितना कैसे देखेगा वो? ये तो सबसे पहला सवाल आपको डॉक्टर राम सागर जी से पूछना चाहिए और हरिकेश जी से पूछना चाहिए, क्योंकि वो सियासत में है और वो सियासी इस्तेमाल को उन्होंने बहुत करीब से, अगर होता है जिसके प्रमाण, अगर इस केस को देखें या तो तब गलत हुआ था या अब गलत हो रहा है कहीं, या अब अगर ठीक हो रहा है तो तब गलत हुआ था। तो डॉक्टर राम सागर जी और हरिकेश जी अगर जवाब दें तो मुझे लगता है बेहतर लोगों को, जो दर्शक हैं उनको समझ में आएगा कि राजनीतिक दल की जो सोच है वो किस तरह से, किस दिशा में और किस उसका असर किस तरह से होता है वो देखने को मिल सकता है। राम सागर जी, चलिए आपसे ही पूछ लेते हैं, आप बताइए, आपकी पार्टी इस समय सत्ता में है, अलग अलग राज्यों में भी आपकी सरकारें रही हैं, विपक्ष में आप थे तो सीबीआई को लेकर के तमाम आरोप लगते थे, क्या वाकई में जो हमारी एजेंसीज हैं वो वाकई में राजनीतिक दबाव में काम करती हैं क्या? क्या राजनीतिक इशारे पर उनकी जांच की दिशा भी बदल जाती है? नहीं, जांच की दिशा बदलने का, जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो वो एनआईए में कुछ स्टोरी राइटर बना रखे थे और उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जिनके क्रियाकलापों से पाकिस्तान को काफी फायदा पहुंचाया जा रहा था। ये मेरा डायरेक्ट आरोप है कांग्रेसियों पर कि वो ऐसा किया करते थे। उसका मैं प्रूफ बताता हूं कि एनआईए का दिशा कब बदला। मालेगांव का विस्फोट वाली जो घटना थी, उस समय जिन लोगों के ऊपर चार्जशीट लगा या जिन लोगों को आरोपी बनाए गए, 8 लोगों को, वो उन लोगों को कब से बचाने का काम इन लोगों ने किया और दूसरे लोगों को फंसाने का काम किया। मालेगांव में लोकल बॉडीज का जब चुनाव होने वाला था तो वहां लोकल बॉडी के चुनाव के समय शिवसेना और वहां का एक मुस्लिम संगठन जो मालेगांव में ही चुनाव लड़ रहे थे, उन दोनों के बीच गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन के बाद ही ये दिशा बदला गया। तब कांग्रेसियों को ये लगा था कि शायद और मुसलमान और ये हिंदू दोनों मिलकर के अब दिशा दे रहे हैं। तब वो यहां से जो उस समय के प्रभारी थे, मालेगांव में स्पेशल प्लेन से भेजा गया था जाकर के वहां जाकर के उस गठबंधन को तोड़वाने के लिए एक जगह मीटिंग किए, और जैसे ही उस इलाके के लोगों को यह पता चला कि उस गठबंधन को तोड़वाया जा रहा तो करीब 10,000 मुसलमान वहां जुटे थे और उस गठबंधन के फेवर में जो टूटने वाला था उस गठबंधन को बना करके रखा। ये तो बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, राजनीतिक दबाव होता है। उस समय के बाद ही इन लोगों को लगा कि अब हम लोगों को एक स्टोरी राइटर वहां रखना चाहिए जो कि इस दिशा को बदले और हिंदू आतंकवाद का नाम देने का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था। और अगर इनकी सरकार थी यूपीए के सरकार में तो साध्वी प्रज्ञा पर तो उस समय तक चार्जशीट नहीं, जब तक वो सत्ता में थे चार्जशीट लगा नहीं था।
चलिए अब कांग्रेस के हमारे साथ अभी थोड़ी देर में रिप्रेजेंटेटिव जुड़ेंगे, उनसे हम पूछेंगे जो तमाम अपने गंभीर आरोप लगाएं। हरिकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई में इस तरह का प्रेशर होता है इस बात को? ठीक है, वो अपनी पार्टी के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं, और कांग्रेस के जो तमाम लोगों के बयान हमने सुने वो भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं। कर्नल पुरोहित आर्मी के लोग थे, कहीं ना कहीं उनको संघ से कहां जोड़ करके देख रहे थे। अगर दोनों पार्टियां ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ भले ही दूसरे दल पर आरोप लगे, लेकिन एक दबाव होता है एजेंसियों के ऊपर और वो अपने हिसाब से मोल्ड होती रहती है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक गवर्नमेंट एजेंसी का सवाल है, हम इस बात को डिनाई करने की स्थिति में भी नहीं है कि हम ये कहें कि किसी सरकार का दबाव उनके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि वो कोई बहुत इंडिपेंडेंट बॉडीज नहीं होती हैं, होती हैं इंडिपेंडेंट कहने के लिए, लेकिन वो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए पिजड़े का तोता वाली बात कहा था, आपको पता होगा, तो पिजड़े का तोता मालिक के हिसाब से तो बोलता ही है कभी कभी, लेकिन कभी कभी सच भी बोलता है, ऐसा नहीं है कि सच ना बोले, लेकिन तो उसमें स्थिति यह है कि अगर एनआईए के जो प्रेजेंट उसके फाइंडिंग्स हैं, अगर उस पर विश्वास भरोसा ना हो तो एक नई एजेंसी कोई ऐसी बनाई जाए, एसआईटी वगैरह, जो कि फिर से उसकी जांच कर ले, ताकि लोगों को भरोसा, कोई भी जांच एजेंसी हो उसकी विश्वसनीयता का भी तो सवाल है, उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वो एक सही रिपोर्ट दे, लोगों को लगे कि ये सही रिपोर्ट है, अगर नहीं है तो कोई दूसरी एजेंसी के जरिए जांच करा लेनी चाहिए। वो दूसरी फिर एक एजेंसी बनेगी, फिर वो कितनी विश्वसनीय रहेगी, ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। उतने साल तक तो चार्ज लगा ही नहीं पाए सवाल, इस पर भी चर्चा करेंगे, पुष्पेंद्र जी से पूछेंगे, और भी दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं, क्या जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा को लेकर के जो पूरा मामला हुआ है, क्या उससे जो हमारी एजेंसीज हैं उन पर उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक दलों के दबाव में एजेंसियां काम करती, तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले रामसागर जी ने कांग्रेस पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे, दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हमारे साथ नीता मिश्रा जी जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ अवधेश कुमार जी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार। नीता जी, जो काफी गंभीर आरोप ब्रेक के पहले लगाए गए कि आप लोगों ने जानबूझ करके महाराष्ट्र में उस समय चुनाव जो थे उसको देखते हुए आपने जानबूझ करके साध्वी प्रज्ञा को फंसाने की कोशिश की, एनआईए का इस्तेमाल किया, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं रामसागर जी की तरफ से। और मेरा सवाल जो था वो ये है कि क्या वाकई में जो एजेंसीज होती हैं, खासतौर से जो टेररिज्म को लेकर के, गंभीर मामलों को लेकर के जो एजेंसीज काम करती हैं, क्या उन पर भी राजनीतिक दबाव होता है क्या? देखिए, जब ये साध्वी जी का ये प्रकरण हुआ था मालेगांव में, तो अगर एनआईए को ना इस्तेमाल करते तो ऑपोजिशन ये कहता कि एनआईए के पास नहीं पहुंचाया इस मामले को, अगर सीबीआई तक ही रहता तो आगे के लिए बात होती, तो आखिर हाईएस्ट एजेंसी जो बॉडी है इन्वेस्टिगेशन की उस तक ही पहुंचाया गया। और उसका उसके पहुंचाने पर नहीं सवाल उठा रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर के है कि किस व्यक्ति को इतने साल तक अंदर रखा जाता है, और वही सरकार बदलते ही जब एजेंसीज होती हैं तो कहा जाता है कि नहीं ये निर्दोष है, उस समय जो है जानबूझ करके फंसाने की साजिश की गई, कोशिश की गई। ये तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसका तो लगातार इसी तरह के आरोप रहेंगे ही कांग्रेस पे, चाहे और जो भी नेता भी आरोप लगाए है कि भाजपा उसका दुरुपयोग कर रही है। सवाल ये है कि कौन दुरुपयोग कर रहा है, जो सब तथ्य सामने होते हैं उनको जो एनआईए के जो जिस तरह से जी देश के सामने तथ्य कहाँ है। एक समय था जब कर्नल पुरोहित प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चीजें चल रही थी, अभी ये बोल रहे हैं सफिशिएंट, पर्याप्त सबूत नहीं है, देश को तो पता चले कि कौन ठीक है। आज की जो सरकार है, अगर उसके समय में इस तरह से एजेंसी के अंदर जो तथ्य थे उनको अगर तोड़ मड़ोड़ करके सामने रखा गया है, क्या हुआ? मैडम, आपकी सरकार में ही दो तर्क दिए गए, उसके पहले आपकी सरकार में ही जो ये आया है रिजल्ट, ये कोई कोई नई बात तो नहीं है, ये तो पता ही था कि भाजपा सरकार के आते ही साध्वी प्रज्ञा को इस तरह से
बरी किया जाएगा, तो मतलब तो होना ही था। मतलब ये तो आप मान रही हैं, पहले 8 दूसरे लोगों को आप लोगों ने ये किया था, सबको उन सबको रिहा कर दिया गया था, बाइज्जत उनको बरी किया गया था, और जितने 8 नहीं 9 थे उसमें, और 9 के 9 पर कोई भी दोष नहीं लगाया गया था। लेकिन जिन पर जो दोषी हैं उनको तो दोषी करार करना आपका फर्ज था, इस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्ज होता है। चार्ज नहीं लगा पाया ना, एक और सवाल है मेरा, चार्ज से दाखिल नहीं हुआ था पुष्पेंद्र जी, और इतने लंबे समय तक प्रताड़ित किया आप लोगों ने। ये भी समझ लीजिए कि चार्जशीट दाखिल होती कब है, जब पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। आप क्या चाहते थे कि जबरदस्ती उसको, तो क्या उतने वर्षों में सवाल ये है कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर निर्दोष हैं तो 23 अक्टूबर 2008 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, आज मई 2016 चल रहा है, ये जो बीच का 8 साल से ऊपर का समय रहा, इसके लिए कोई कंपनसेट करेगा? इतने गंभीर आरोप में किसी को अंदर किया गया, पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार हो तो पूरे परिवार को जो है उस आतंकवाद का दंश झेलना पड़ता है। पुष्पेंद्र जी आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी बात कह दी है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कहूं कि एनआईए ने एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद जिन मुसलमानों को पकड़ा था और जिन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया था मजिस्ट्रेट के सामने, जब उनको यकायक चिदंबरम को लगा क्या राजनीतिक कारण थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जब उनको छोड़ दिया गया था तो एनआईए अल्लामिया हो गई थी, दुनिया की सबसे बेहतरीन, दुनिया की सबसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, और इस देश के तमाम पाखंडी सेकुलर जो हैं और जितने भी ब्रिगेड हैं इस देश के अंदर, उनको लगा कि क्या काम किया एनआईए ने, उनको छोड़ दिया है। अभी जिस तरीके से बाइज्जत करके बरी करा गया, जो बात अभी नीता जी कह रही थी, तब तो एनआईए बिल्कुल ऊपर से आसमान से उतरी हुई अल्लामिया थी, और वही एनआईए आज जब किसी के खिलाफ चार्जशीट नहीं कर पा रही, वो कह रही है कि भाई इनके खिलाफ प्रूफ नहीं है, वही एनआईए, उसमें 90% वही लोग हैं, तो वो एनआईए आज शैतान हो गई है। सवाल ये है कि इस मुल्क में इस किस्म की एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी को किसने खत्म किया? इस जो यूपीए की सरकार थी, जो महामहिम अभी टेलीविजन के ऊपर देश के नाम संदेश दे रहे थे, कह रहे थे मेरा ये आरोप है, उन्होंने तो खुद एक किताब को लॉन्च किया और उसमें महमूद मदनी जो जमीयत उलेमाए हिंद के हैं, उसमें अबू आजमी, उसमें महेश भट्ट, उन लोगों ने उस किताब में कहा कि 26/11 जो है वो आरएसएस की साजिश था। सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह उस सरकार के हिस्से थे, उस पार्टी के हिस्से थे जिसने ये आरोप लगाया और जिनके दौर में 26/11 हुआ, और आपने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने किया, आईएसआई ने किया, लेकिन आपको डोमेस्टिक, एक सेकेंड, आपको अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को अपीज करने के लिए आपने उस किताब की लॉन्च में आपका जनरल सेक्रेटरी जाता है, वही जनरल सेक्रेटरी आपके बटला हाउस को कहता है कि यह गलत है। तो मुझे यह लगता है कि आप ये आज आरोप लग रहे हैं कि साहब मोदी जी के आने से प्रज्ञा को छूटना था, तो मैं आप पे आरोप क्यों ना लगाऊं कि चिदंबरम के आने से दो दो एफिडेविट में इशरत जहां के साथ आपने क्या किया, जीके पिल्लई आपका होम सेक्रेटरी था उसने क्या किया, मनी ने क्या बयान दिया, राजेंद्र कुमार ने क्या बयान दिया। तो आपके दौर में जो लोग सच बोले वो सब झूठे हैं, जो इस दौर में काम करें वो मोदी के हैं। तो ये जिस तरीके की राजनीति इस देश में हो रही है कि मुसलमान आतंकवादियों को भी महामंडित किया जाए, मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया जाए, और एक औरत जिसके बारे में यह है कि एक उसने मोटरसाइकिल उसके नाम थी, 2 साल पहले उसने वो मोटरसाइकिल किसी को बेच दी, वो मौके वारदात पे मिली, इस वजह से आपने गिरफ्तार किया, और 6 साल आपके और 2 साल इस सरकार के, आपने चार्जशीट नहीं उस पर फाइल की और लगातार टॉर्चर किया। और एक तीसरी बात आपको मैं बताता हूं कि इनको इन्वेस्टिगेशन किसने की, किसने इनका इंट्रोगेशन किया, उसका नाम था हेमंत करकरे, और हेमंत करकरे जब 26/11 का ऑपरेशन चल रहा था और जिस वक्त वो आतंकवादियों से लड़ रहा था, उस वक्त दिग्विजय सिंह के पास फोन आता है कि ये जो इसमें हिंदू ताकतें हैं इनका खेल है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि हेमंत करकरे के पास दिग्विजय सिंह का मोबाइल कैसे था, और उस ऑपरेशन में जहां चारों तरफ से गोलियां चल रही थी वो दिग्विजय सिंह को फोन करके बता रहे थे कि इसमें कुछ हिंदू आतंकवादी शामिल हैं।
मुझे समझ में नहीं आया कि भारतीय जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कैसे यकायक मक्का का, अजमेर का, समझौता का, ये सारे ब्लास्टों में हिंदू मौजूद हो गए, कैसे जयपुर के कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर हिंदू आतंकवाद को कॉइन किया गया, फिर वापस लिया गया। ये जवाब कांग्रेस पार्टी को दे। मैं ये आज नहीं मानता कि एनआईए आज जो है किसी के दबाव में काम कर रही थी, कल किसके दबाव में काम कर रही थी। अगर एनआईए कल दबाव में काम कर रही थी तो फिर आज भी दबाव में काम कर रही थी, और कल दबाव में काम किया था तो असली मुजरिमों को छोड़ा, आज दबाव में काम किया है तो निर्दोषों को छोड़ा है। अधेश जी, जो सवाल हम उठा रहे हैं उसी यही सवाल है कि कब दबाव में काम कर रही थी। दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे पर आरोप लगा रही, कांग्रेस के बहुत सारे हमने बयान सुनाए, बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस समय जानबूझ करके उसका पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए कुछ लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाया गया। ये जो क्रेडिबिलिटी है इन एजेंसीज की कैसे बनी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान जाकर जांच करेंगे जी। देखिए, यहाँ एजेंसी की क्रेडिबिलिटी से हमारे देश की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, क्योंकि ये जो बात आई हिंदू आतंकवाद की, उससे पूरी दुनिया में भारत की छवि इतनी खराब हुई कि लगता है जैसे जिहादी आतंकवाद के पैरेलल भारत में भी संगठित आतंकवाद का कोई न कोई एक पैरेलल मजहबी सांप्रदायिक आतंकवाद का समूह खड़ा हो रहा है। तो मूल बात तो वो है। मेरी जो समझ में आ रही है, मुझे ये लगता है कि अगर मुंबई हमले में अगर वो कसाब अजमल कसाब नहीं पकड़ा जाता तो ये मान के चलिए कि उसको भी हिंदू आतंकवाद का ही आक्रमण घोषित किया जाता। ये तो केवल जो जो क्या नाम था वो जो सिपाही जिसने पकड़ा है, तो उसको मैं समझता हूँ कि उसको सेहरा जाता है कि उसने अजमल कसाब को किसी ढंग से पकड़ लिया और ये साबित हो गया कि पाकिस्तानी हाथ है। देखिए, जो एनआईए है वो मुंबई हमले के बाद एजेंसी वो बनी थी, उसकी मांग बहुत पहले से हो रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी हम लोगों ने लिखा था, बोला भी था कि एक संघीय जांच एजेंसी भारत में चाहिए, क्योंकि आतंकवाद किसी एक राज्य का विषय नहीं है, राष्ट्रव्यापी अलग से चाहिए। तो जो मेरी समझ कह रही है कि उस समय जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनी थी वो बनी ही थे इसलिए कि इसको एक हिंदू आतंकवाद का रूप दे करके किसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वगैरह पर बैन लगाया जाए, उन संगठनों को खात्मा किया जाए कि आतंकवाद में शामिल है, इंटरनेशनल लेवल से उन पर बैन लगाया जाए और फिर इनका इस देश में जो राजनीतिक ताकत है वो खत्म हो। तो उस अगर इस सोच से एनआईए उस समय बनी ही थी, जो कि आज समझ में आ रहा है कि कर्नल पुरोहित के घर के बारे में ये साफ हो गया है कि हमले के बाद आरडीएक्स रखा गया और हमले के बाद आरडीएक्स रखा गया, तो जाहिर है कि एक साजिश थी उसके पीछे कि इस आदमी को फंसाओ। और इसमें जो सुधाकर चतुर्वेदी है, ये सुधाकर चतुर्वेदी असल में इन्फॉर्मर था, वो सोर्सेस था हमारे, मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस का। अब हमारे देश में हो रहा है कि इंटेलिजेंस के सोर्सेस को भी आप पकड़ रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी एजेंसी का, ये मायने नहीं है। मायने तो यह है कि देश की क्रेडिबिलिटी हमारी खराब हुई। जो असली आतंकवादी थे, जो असली अपराधी थे, जिन्होंने हमला किया दो दो बार, जिन्होंने इतने लोगों को मारा, वो आंखों से ओझल हो गए और उनकी जगह जो निरपराध लोग थे, निर्दोष लोग थे, जिनकी कोई भूमिका ही नहीं हो सकती थी, बल्कि जो राष्ट्रवादी थे और इन आतंकवादियों के विरुद्ध वातावरण बना सकते थे, ऐसे लोगों के पकड़ करके और उनके खिलाफ जबरन जो है आपने केस बनाया और आपके पास कुछ मिला नहीं। आपको पता है कि पिछले वर्ष ही 15 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इन लोगों के खिलाफ मकोका का कोई मामला बनता ही नहीं है, आप क्यों इनको इसमें लटकाए हुए हो। तो ये केवल जांच का सवाल नहीं है जो आप कह रहे हैं, सवाल तो अब इसमें ये सब चीजें होंगी कि अब तो जांच इस पर होगी कि किन लोगों ने साजिश किया, उस साजिश के पीछे सोच क्या थी, पहले राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका क्या है। देखिए, पहले तो आपको मालूम है कि उसमें मुसलमान लोग पकड़े गए थे, जो पहले शुरू में गलत था या सही था, कौन गलत था, कौन सा सवाल, तो यही आज देश के सामने नहीं, देश के सामने सवाल है। तो अब तो जांच हो रही है ना, कोर्ट देख रही है, तो अब जो जांच है इसमें तो तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं ना। पहले जो थे वो तो सारे कुछ भेद था, आपका बनाया हुआ था। एक सवाल जो आपसे या जानना कोई भी जानना चाहेगा कि जो सवाल थे, जो हमले हुए, लोग मरे, इंजर्ड हुए, लेकिन उसका सवाल ये है कि तब गलत हुआ, बीच में गलत हुआ, अब गलत हुआ, कौन है लोग वो? तो जो क्रेडिबिलिटी है एनआईए की, जो क्रेडिबिलिटी है आपके इन्वेस्टिगेशन की, उसको ताक पे किसने रखा?
नहीं, ये तो राजनीतिक नेतृत्व ने रखा, राजनीतिक नेतृत्व मतलब आपके एजेंसी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। नहीं, आपके एजेंसी के जितने भी ऑफिसर होते हैं वो जो मास्टर होते हैं, एसआर मनी ने क्या कहा, एसआर मनी ने तो टॉर्चर तक की बात कही, तो आप देखिए ना कि राजनीतिक हस्तक्षेप कितना था, कि आपने उस उन लोगों को जो ऑफिसर थे, सवाल आपने कुछ मैं वही कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है, अगर नहीं नहीं अगर एक 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 लाइन एक लाइन में सिर्फ आपको लगता है तो इस सरकार के 10 साल बाद जाए 5 साल बाद जाए तो जिन लोगों ने जीके पिल्लई ने मनी ने राजेंद्र कुमार ने जो मुंह खोला है कि हमारे साथ ये करवाया गया वो मुंह खोलेंगे, तो सवाल यह है कि आज की डेट में तो कोई ये बात नहीं कह रहा कि ये तथ्य गलत है, कोर्ट के सामने जाएंगे ना तथ्य, तो सवाल यह है कि कैसे चिदंबरम ने ये बात 2 दिन पहले कही थी कि एनआईए जो है वो विरोध नहीं करेगा और इनको जमानत मिल जाएगी 9 मुसलमान लड़कों को, तो क्या कोर्ट को मैनेज किया गया, मैं वही बात वो पहले से कर ले, जिसको लगता है कि गलत हो रहा है उसको कोर्ट में जाने का पूरा अधिकार है, वो कोर्ट में जाएगा, लेकिन जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न वाजिब है कि इससे एजेंसियों के क्रेडिबिलिटी पर तो असर पड़ता ही है कि भाई और लोग न्याय किसको मिला, नहीं न्याय किसके साथ हुआ, न्याय और ये न्याय अन्याय के पीछे की जो सियासत है वो आधार पर करेंगे, इसकी जांच कब होगी कि कांग्रेस पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी ने या किसी और दल ने जो सत्ता में रह के वो एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं, क्लियर अब हो रहा है ना, कैसे बन लिया जाए, सत्ता ने दुरुपयोग किया, ये उस समय की सत्ता ने दुरुपयोग किया, ये बातें स्पष्ट हो रही हैं, क्योंकि इसके पहले आपको जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ने यूनाइटेड नेशन ने कई दुरुपयोग किया या कब कांग्रेस पार्टी ने दुरुपयोग किया, आपकी पार्टी ने इस देश को बदनाम करने का काम किया, आपकी पार्टी ने दुनिया में जो जिहादी आतंकवाद है उसका पैरवी हिंदू आतंकवाद संगठन को खत्म करने के साथ इसकी हिंदुओं को बदनाम किया, इस देश को बदनाम किया, अब समय आ गया है कि आपकी पार्टी के लोगों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, किन लोगों ने साजिश रची और उनको जेल में डालना चाहिए, ये है, लेकिन आज आपकी पार्टी ने राष्ट्रीय अपराध किया है इस प्रकार की साजिश रच के। जी एक सवाल दिलीप जी आपसे है, अभी अवधेश जी ने बड़ी मतलब बड़ी बात कही है, मैं चाहूंगा कि आप उस पर टिप्पणी करें, उन्होंने कहा कि अगर तुकाराम ने कसाब को नहीं पकड़ा होता तो इस मामले को भी जो है हिंदू आतंकवाद से जोड़ा जाता, ये बड़ा स्टेटमेंट है, इसको सवाल ये है, बड़ा पुष्पेंद्र भी कह चुके हैं, देखिए सवाल क्या है, सवाल आज जो देश के सामने है, जो लोग निष्पक्षता से चीजों को देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं, आप किसी को भी उठा के फंसा देंगे, अपराध किसी और ने किया है, तो ये जो सवाल एजेंसी एक आतंकवादी कौन था, एक वो जांच होना चाहिए, दूसरा सवाल ये है कि जो असल आतंकवादी थे उसको पीछे छोड़ के चाहे वो मुसलमान पकड़े गए हो चाहे वो अब हिंदू पकड़े गए हो, सवाल है कि जिन राजनीतिक दलों ने राजनेताओं ने ये प्रेशर डाल के अधिकारियों पे काम किया वो उसका उसकी कौन जांच करेगा, सवाल ये भी है कि क्या ऑफिसर्स जो हैं जो हमारे अधिकारी हैं जो जांच दल में लोग होते हैं क्या वो अपने मास्टर्स वॉइस को ही आगे रखते हैं, कहीं दिलीप जी गवाह सब ज्यादा के कह रहे हैं कि हमारे परिवार को टॉर्चर किया गया, हमने मजबूरी में गवाही दी, 165 में से सुनिए 22 गवाह पलट गए हैं, नहीं नहीं सुनिए 22 गवाह पलट गए हैं, जो सबसे बड़ा गवाह इन्होंने डॉक्टर जो है ये जो यहाँ अपोलो में डॉक्टर थे आरपी सिंह को बनाया था, उसने कहा कि मैं जो है बैठक में गया ही नहीं, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए, मैं उस दिन हॉस्पिटल में था जिस दिन नासिक की बैठक है, हम गया ही नहीं, लेकिन हमारे परिवार को इतना टॉर्चर किया गया कि हमको झूठी गवाही देनी पड़ी और उसने स्वयं मजिस्ट्रेट के पास जाके एप्लीकेशन दिया कि हम नई गवाही देना चाहते हैं, आपको मालूम है कि सिम्मी पर और लश्करे तोयबा पर आरोप लगा था और उसी महाराष्ट्र की पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, जब बाद में मामला एनआईए के पास आया तो सारा कुछ बदला गया, ये एक देश के प्रति अपराध था, आप सवाल मत करो, ये अपराध कांग्रेस की सरकार ने यूपीए सरकार ने किया था, देश के प्रति अपराध था, ये वो गवाही उस समय दबाव में दी गई या वो गवाही इस समय दबाव में दी जा रही है, मैं पहले दिन से जी का सवाल ये है कि इतने सारे सबूत थे, नीता जी एक बात का जवाब दें, 26/11 किसने किया था,
26/11 किसने किया था? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरी मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूँ ना। आपको लगता है, मैं बताता हूँ ना ताल्लुक क्या है। आपने कहा कि इसको जेल में क्यों रखा, इतने सबूत थे। 26/11 किसने किया था? पूरी दुनिया के लोगों को किसने के सामने पाकिस्तान ने एक्सपोज किया था? आपने किया था, आपकी सरकार ने किया था, आपकी पुलिस ने किया था, आपके लोगों ने पकड़ा था, चार्जशीट आपने दी थी, आपने उसको जेल में रखा, आपने उसको फांसी चढ़ाई को सबको करा था कि नहीं करा था? आप कहिए टेलीविजन पे कि किया, ये मैं गलत कह रहा हूं, आप कहिए मैं गलत कह रहा हूं। मैं आपको जवाब दूंगा ना, ये नहीं देखिए आप भागिए मत बात से। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं इसलिए बता रहा हूं ना ताल्लुक। आपने कहा कि इस देश में इनके खिलाफ प्रूफ था, मुझे बताएं कि 26/11 अगर पाकिस्तान ने नहीं किया था तो कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह कैसे एक किताब को लॉन्च कर सकता है जिसमें कहता है कि 26/11 आरएसएस ने किया? आप दो चीजों को मत बताइए, ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा को लेकर के क्लीन चीट दी गई है एनआईए की तरफ से। अब तक जो चर्चा हुई है उसमें एक बात तो साबित हुई है, चाहे कांग्रेस बीजेपी को बोले या बीजेपी कांग्रेस को बोले, कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है। लेकिन अब सवाल अगला जो है, कांग्रेस से मेरा सवाल है, नेताजी से मेरा सवाल ये है, नेताजी 6 साल तक आपका शासन रहा जब साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया, आपने अगर वो इतनी दोषी थी तो क्यों नहीं आपने, आप एक महिला हैं, आप समझ सकती हैं कि 6 साल तक, अब इस शासन में भी 2 साल तक एक महिला को कैद करके रखा गया, अगर वो दोषी थी तो 6 साल लंबा समय होता है, बहुत गंभीर मामले में बेसिक चार्जशीट नहीं फाइल हुई है, नहीं चार्जशीट दाखिल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर के उनको सजा दिलवाई गई। 8 साल लंबा समय होता है, घटना थी। जो ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं आप भी समझते हैं, इनको ऐसे ही चार्जशीट जल्दी से नहीं दाखिल, तो आपने मुसलमानों को छोड़ने में बड़ी जल्दी दिखाई, 6 महीने की बात नहीं हो रही है, 6 साल की बात हो रही है। जब तक पूरे तथ्य ठीक से नहीं, 6 साल तक तथ्य नहीं आए और आपने कमर तोड़ दी उसकी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी आपने, मुसलमानों को छोड़ने से पहले आपने नहीं पूछा था कि तथ्य, उनको क्या प्रॉब्लम थी इसका क्या पता, कैसे रीढ़ की हड्डी टूट, क्या बात कर रही है, पूरी चीज सबके सामने, कोई घर में तोड़ नहीं हुआ है, लेकिन मतलब ये है कि समय लगता है, कभी कभी ज्यादा समय लग जाता है, को छेड़ने में सब क्यों नहीं आपको, उसमें उसमें जो सही तथ्य हैं उस पे काम ले, लेकिन अगर मामले को जल्दी चार्जशीट के ऊपर दाखिल कर दी जाती तो फिर ये विपक्ष कैसा, अच्छा तो पूछ के विपक्ष से पूछ के काम कर रही थी आप, विपक्ष को तो बोल रहे हो, नेताजी आपने अपना पक्ष रख लिया, हम ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती कि अन्याय ना हो, अच्छा आपकी पार्टी बेल पे घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि अन्याय ना हो, उसमें भी एक सेकंड बाकी आज बिल्कुल मैं एक बात कह करके मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनआईए के दाखिल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा एनआईए को कि जब चार्जशीट नहीं बन रहा है तब क्यों इनको अरेस्ट करके रखे हो आप,
नेताजी आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, आपको लंबा समय दिया गया। मैं चाहूंगा बाकी जो मेहमान है उनको भी थोड़ा थोड़ा मौका मिले। दिलीप जी आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात। ये कह रहा हूँ अवधेश जी, पुष्पन जी जो बात कह रहे हैं, जो बात नीता जी कह रही है, सवाल ये है मेरे, हमारे सामने, सब लोगों के सामने यही है कि आखिर फिर वो आतंकवादी कौन थे जिन्होंने उसको अंजाम दिया। एक सवाल ये है उसकी, जो मैं कह रहा था कि जांच, इसको निष्पक्षता से जांच कैसे पता चलेगा। आज जो अवधेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने राष्ट्र के विरोध अपराध किया, उसको कैसे स्थापित किया जाए, सवाल ये है। कैसे इस चीज को आप देश के सामने रखेंगे आज, अवधेश जी या पुष्पेन जी या नीता जी, कि नहीं बीजेपी जो कर रही है उसका टारगेट, अरे जब आपने किया तो टारगेट नहीं। दिलीप दिलीप जी फिर उसके बाद सेकंड बारी आएगी ना, मैं तो कहानी बता दिया कि माले माले ऊपर से फरिश्ते नहीं आए होंगे, लेकिन ये लोग छूटेंगे उसके बाद इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोग थे असली। आरिफ कासमानी की को खोजा जा रहा है, पता चला कि अमेरिका में है, समझौता के मामले में तो वही है। पहले एक पक्ष तो खत्म होगा ना, विस्फोट में जो लोग पहले दो साल में चाहते हैं कि ये भी खत्म हो जाए, पहले पकड़े गए थे जिनको जमानत कांग्रेस मिली हुई है, उनके खिलाफ फिर से जांच होगी। चले और इसमें, और इसमें क्या समस्या है? हरकेश एक सवाल इन सबके बीच में एजेंसी को लेके जो है वो तो है ही, एक सवाल ये कि इस सब मामले में कंपनसेशन क्या होता है? 8 साल 9 साल जेल में यातनाएं, जिस किसी को भी, वो किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, और 9 साल बाद ये कहा जाए कि नहीं आप जो है आरोपी नहीं है, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो ये जो 9-10 साल जीवन के चले गए उसको आपको लगता है कंपनसेट करने के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए? कौन कंपनसेट करेगा, 10 साल वापस कौन करेगा? उसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यही रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग जेलों के अंदर बहुत वर्षों तक जेलों में बंद रहे हैं, 10 साल 15 साल तक, जिनके खिलाफ जो अपराध अभियोग था उसमें कुल सजा 2 साल की होती रही है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको पता होगा कि तमाम जेलों में बंद रहे हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा हुई है तो उनको छोड़ा भी गया है। इसलिए ये व्यवस्था तो होनी ही चाहिए कि कैसा अपराध है और उसको किस तरह से कितने दिनों तक आप लोगों को बंद रखते हैं। और यह भी एक नियम बनना ही चाहिए इस देश के अंदर कि जब कोई सीरियस चार्ज किसी पर लगता है तो चार्जशीट कम से कम 1 साल या 6 महीने 1 साल के अंदर जरूर दाखिल हो। कोई जांच हो सकती है? इनको तो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार, यूपीए सरकार थी, उस समय जब हिंदू और मुसलमानों के बीच, शिवसेना और मालेगांव में जो मुस्लिम संगठन था उसके बीच जो समझौता हुआ था, इन लोगों को लगा कि अब हिंदू मुसलमान एक साथ मिल करके हमारे खिलाफ जा रहे हैं देश के अंदर, तब ये मालेगांव गांव में उन मुस्लिमों को छोड़ करके और हिंदू आतंकवाद को क्वाइन किया गया, इसलिए किया गया था क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता तार तार हो जाए देश के अंदर। चले ये कांग्रेस ने यही किया था। छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया, चले। लेकिन राम सागर जी 2 साल आपकी सरकार को भी लग गए, 2 साल आपकी सरकार भी रही, ये काम आप 6 महीने साल भर में भी कर सकते थे, 2 साल लग गए अगर वाकई में निर्दोष थी वो, 8 साल लंबा समय होता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एक और विषय, दूसरा मुद्दा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले को लेकर के है, जिसको लेकर के अलग अलग नेताओं की तरफ से याचिकाएं दायर की गई थी। याचिका किस बात को लेकर थी कि धारा आईपीसी की 499 और 599, जिसमें कि मानहानि के तहत जो मामला, उसमें जो जेल जाने का प्रावधान है उसे हटाया जाए। लेकिन आपको बता दें, इन तीनों मामलों में अरविंद केजरीवाल, सुब्रमण्यम स्वामी और राहुल गांधी ने अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। इन सबकी सुनवाई एक साथ करके सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा कि नहीं, ये इस तरीके इस मामले को लेकर के सजा होगी, और इसमें जो है आईपीसी की 499 और
500 के तहत इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें, बड़ा सवाल यही है कि आखिर में अलग अलग पार्टियों के ये तमाम दिग्गज नेता इस बात को लेकर के क्यों गए थे। सवाल इस बात को लेकर के भी है, क्या जानबूझ करके झूठे आरोप लगा करके राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप किसी पर कोई इल्जाम लगा करके आप भाग जाए और चाहेंगे कि उसमें जेल भी ना हो, तो ये कई सवाल इसमें है। तो हम खास मेहमानों से हम पूछना चाहेंगे छोटी छोटी टिप्पणी, क्योंकि इस विषय के लिए समय कम है। सबसे पहले दिलीप जी आपसे, आखिर में ये तीनों जो लोग गए हैं चुनाव के दौरान, हम देखते हैं बहुत गंभीर आरोप लगते हैं अरविंद केजरीवाल को भी बोल जाते हैं, और कुछ ऐसे तत्व सियासत में आए हैं जो सिर्फ डिफेम करने के लिए ही आरोप लगाते हैं, और यही लोग जाकर गायब हो जाते हैं, कह रहे हैं कि नहीं इस पर सजा नहीं होनी चाहिए, उस पर सजा नहीं होनी चाहिए। एक है फंडामेंटल राइट, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो आजादी है, बोला कि वो अनलिमिटेड नहीं है, उस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। और क्योंकि वो जो है आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है कि राइट ऑफ रेप्यूटेशन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अलाउड टू बी क्रूसीफाइड एट द ऑल्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब नहीं किसी के रेप्यूटेशन को आप खराब करें। तो ये जो मसला था, इस पे तीन लोग, जो प्रोमिनेंट तीन लोगों का नाम केजरीवाल, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उसमें राहुल गांधी भी शामिल है, कई पत्रकार इसमें शामिल है, कई और भी संगठन इसमें शामिल है, सबको एक करके उन्होंने किया है। मुझे लगता है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो स्वागत योग्य है, और ऐसे तत्वों पे खास करके जो सिर्फ आरोप लगा करके अपनी सियासी चमकाते हैं, केजरीवाल अपनी सियासत चमकाते हैं, उनके लिए यहां से कुछ ना कुछ तो मैसेज गया ही होगा, वो कुछ तो सीख लेंगे। हरकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कोर्ट की तरफ से दो बातें कहेंगे, किसी नीति की आलोचना करना ये मानहानि नहीं हो सकती। हाँ, सही बात है। उन्होंने ये बात का कहा, ये भी कहा है, लेकिन किसी व्यक्ति पे अगर आप आरोप लगाते हैं उसकी आलोचना करने के लिए, तो वो मानहानि के दायरे में आता है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, और तमाम राजनीतिक दल एक साथ खड़े दिखाई दिए इस पर। मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने ये देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका कि सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका माइंड जो है इतना निगेटिव वर्क करता है कि ये कहीं पर किसी भी व्यक्ति में अच्छाई तो देख ही नहीं पाते, केवल बुराई देख पाते हैं। तो कुछ लोगों का इस तरह का दिमाग होता ही है, और वो जब बुराई को ही देखते हैं तो बुराई की ही बात करते हैं। तो इस तरह के लोग कई बार लोगों पर निराधार आरोप लगाने लगते हैं, और जब उसको साबित नहीं कर पाते हैं तो बगलें झांकते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर ये आज़ादी दे दी जाएगी कि ये कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहें, इस तरह के लोग, तो ये तो किसी को भी डिफेम करेंगे समाज के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये फैसला दिया है, बिल्कुल वाजिब फैसला दिया है, और जिन लोगों ने उन धाराओं को बनाया था वो कम सूझबूझ के लोग नहीं थे। अगर आज उसे हटाया गया होता तो शायद आज उनके भी विजडम पर एक प्रश्नवाचक खड़ा हो गया होता कि उन्होंने क्यों इसको रखा था। लेकिन आज वो, आज तो इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अधिक से अधिक विकृत मस्तिष्क वाले लोग राजनीतिक क्षेत्र में आ चुके हैं, और वो तमाम निराधार आरोप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं जो कि आप देख रहे हैं तमाम मामलों। खाली एक चीज बीच में कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए इसका मिसयूज बहुत हुआ है। जयललिता ने 130 केस डिफेमेशन जो उनके खिलाफ लोग बोलते हैं उसके खिलाफ वो केस कर देती है। कई ऐसे मुख्यमंत्री, कई ऐसे राज्य हैं जहां इस लॉ का मिसयूज भी हो रहा है कि आपको जेल भेजने के लिए इस लॉ का मिसयूज होता है, लेकिन आपको अनइंटरप्टेड इस तरह की आजादी तो मिल नहीं सकती है कि किसी के खिलाफ आप कुछ भी बोले और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं। नीतियों की तो आलोचना कोई कर सकता है, लेकिन जो लोग मिसयूज कर रहे हैं उसमें मिसयूज से बचने के लिए अगर आवश्यक हो तो पार्लियामेंट को कुछ कानून बनाने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ही सजेस्ट करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेस्ट किया है कि सभी मजिस्ट्रेट को ये आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए, इन मामलों में सम्मन जारी करने में बहुत सावधानी बरतें, कि अगर आप किसी को सम्मन जारी कर रहे हैं तो काफी सावधानी बरती जाए। एक चीज हम देखते हैं अवधेश जी, इस पूरे मामले को लेकर के बहुत कम विषयों पर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस बनती है, लेकिन अलग अलग पार्टियों के नेता एक साथ एक मंच पर एक ही विषय को लेकर के पहुंचते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी कांग्रेस, एक आम आदमी पार्टी, क्या इस ये जो एक जुटता यहां पर दिख रही है, इसमें क्या कारण देख रहे हैं आप? कि सबको लगता है कि नहीं आरोप लगाना भाग जाना ये ठीक है? केवल देखिए ऐसा है कि ये जो आपराधिक मानहानि है इसके दोनों पक्ष हैं जो हम लोगों ने चर्चा की। इसका एक पक्ष तो है ही है जो अभी दिलीप जी ने कहा, जो मैं बोलना चाहता था कि जगह जगह इसके दुरुपयोग होते हैं। इसमें जैसे तमिलनाडु और बाकी जगह और कई जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें बुरी तरह फंसे हैं।
और दूसरी पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यही मुकदमा ममता बनर्जी ने, हम समझते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों पर टीएमसी के लोगों ने आपराधिक मानहानि के मुकदमे दायर किए हैं। तो अब ये इतना आसान नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा थोड़ी सी दिक्कत तो इसमें है, लेकिन नेता एकजुट कैसे हुए उसका जो कारण समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल सुब्रमण्यम स्वामी का कारण तो समझ में आता है कि सुब्रमण्यम स्वामी भी जो है माने मैं तो उनको हालांकि आजकल कुछ काम वो कर रहे हैं तो उससे लगता है कि ठीक भी है, लेकिन मैं उनको न्यूसेंस वैल्यू का आदमी ही मानता रहा हूं अभी तक, आज तक, चाहे वो जितने विद्वान हो। केजरीवाल के बारे में जो हरिकेश बाबू ने कह दिया तो उससे ज्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के जाने का कारण मुझे समझना जरा कठिन हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी पर ऐसे कोई आपराधिक मानहानि का केस भी नहीं हुआ है जिससे वहां पे उन्होंने आरएसएस के बारे में जो, हाँ वही आरएसएस ने किया था, एक आरएसएस ने किया जिस पर मतलब वो चल रहा है, इतना बड़ा मामला नहीं था, तो वो उसके खिलाफ गए होंगे, लेकिन एकजुटता इसमें नहीं है, सब अपनी अलग 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 मांगों के साथ गए थे और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह कर दिया सारे मामले को, उस सारे मामले को, इतना ही है। लेकिन देखिए आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि सतर्कता बढ़ती जाए, लेकिन ये बड़ा कठिन है, हमारे खिलाफ भी आपके खिलाफ भी किसी के खिलाफ हम टीवी पर भी बात कर रहे हैं तो कोई आदमी मुकदमा कर सकता है और हम अरेस्ट हो सकते हैं बाद में भले हम छूट जाए। तो इसमें मूल बात जो आती है कि इसमें पुलिस को, इसमें मजिस्ट्रेट को, इसमें स्टेट को, इन सबको बहुत ज्यादा जो है इसमें संयम और सतर्क रहने की और संतुलन बना के काम करने की जरूरत है। पुष्पेन जी आपकी टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर के। देखिए दो चीजें हैं, हमारा जो समाज है ना भारतीय समाज, इस समाज के अंदर किस पे कानूनी क्या कार्रवाई होती है ये महत्व नहीं होता है, हमारे यहाँ इस बात पे ज्यादा महत्व होता है कि समाज में उसकी छवि क्या है और छवि पे ही लोग जीते हैं और उस छवि को बनाने के लिए लोग पूरा पूरा जीवन लगा देते हैं। मैं एक किस्सा बता रहा हूं जो बात अभी कहा कि आपने के आरोप और आलोचना की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर एक महिला ने अपने कलीग के ऊपर रेप का आरोप लगाया, वो लोअर कोर्ट में चला, वो हाई कोर्ट में चला, कोई 16 साल वो मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट में उस आदमी को निर्दोष साबित कर दिया गया। उस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मैं इतने साल से, इतने समय से पूरे परिवार पूरे गांव से बाहर निकल आया हूं, उसको जब सजा से बरी कर दिया गया वो बाइज्जत गया और उसने फांसी लगा ली और अपने नोट में लिखा कि इस देश की व्यवस्था ने मुझे समाज से घर में सबके सामने बलात्कारी साबित कर दिया। तो सवाल यह है कि हमारे यहां डिफेमेशन के नाम के ऊपर आप किसी को भी कुछ भी कह दें, जो आज चलन हो गया है, कोई मोदी के बारे में कह रहा है, कोई उसकी बीवी के बारे में कह रहा है, कोई उसके बच्चों के बारे में कह रहा है, कोई सोनिया गांधी के बारे में कह रहा है, लेकिन क्या आप पब्लिक डिबेट के अंदर इस किस्म के गंभीर आरोप लगा के भाग जाएं और तत्कालिक तौर पर उसका फायदा लें और उसके बाद में फिर कहें कि डिफेमेशन कर दिया है, फिर माफी मांग ली, कोई अंदर जाके लिखित में माफी मांगता है, कोई मुंह जबानी माफी मांगता है, लेकिन समाज के अंदर एक बार दाग लग जाता है उसको हिंदुस्तानी समाज के लोग माफ नहीं करते, उसको हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। लिहाजा यह बहुत जरूरी था इसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं इसका हिमायती हूं। चलिए केजरीवाल तो ऐसा करते हैं कि जो बुराई नहीं भी रहता है, नहीं भाई वो बुराई से तो निकल के आए डाल देते हैं, वो बुराई से लड़ते लड़ते ऐसे हो गए हैं कि खुद ही बुरे हो गए। था नहीं केजरीवाल ने डाल दिया बुराई। नेताजी नेताजी केजरीवाल का तो ऐसा है। नेताजी नेताजी राहुल गांधी ने कहा था तो क्या था, वो तो पहले के आदमी थे, जिनको माउथ पीस कह रही है वो तो नए नए आए हैं, वो नए नए आए हैं। नेताजी राहुल गांधी क्यों गए थे? राजीव गांधी के मित्र थे वो, और राजीव गांधी के मित्र थे, गांधी जी के मित्र थे ना, सरकार में मंत्री बनाए गए थे कि नहीं बनाए गए थे? तो राहुल जी मुद्दे पर बोले आप जवाब तो दीजिए, इस मुद्दे पर बोलिए, इस टॉपिक पे बोलिए। राहुल गांधी को 2 साल की सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए आरएसएस पर बयान देने के लिए? नेताजी जी इसमें जरूरी ये है कि एक बड़ी थिन लाइन होती है ये इंटरप्रेट करने के लिए कि कहां पर मानहानि हो रही है और किस एक्सटेंट की हो रही, कहां पर नहीं हो रही। तो मुझे ये लगता है अगर आरोप सिद्ध नहीं हो रहे तो माना नहीं हो रही है, सिंपल बात है, इसमें बार थिन लाइन कहाँ है? अगर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहा तो मानहानि है, देख आरोप कुछ इतने बड़े गंभीर आरोप अगर कौन से जो राहुल गांधी ने लगाए कि आरएसएस के ऊपर? राहुल गांधी ने अकेले क्यों, इन्होंने अमित शाह ने नहीं लगाए? अमित शाह को छोड़िए, राहुल गांधी तो बड़े परिपक्व परिवार से आए हैं, बड़े सम्मानित परिवार से आए हैं,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। चले नीता जी, आपके साथ में प्रधानमंत्री नए आए हैं इसलिए बेवकूफी कर गए तो समय नहीं सर, मेरा कहना यह कि आप राहुल गांधी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, आपकी पार्टी के भी गए हुए हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी कुछ भी बोल रहे हैं, वो सबूत क्या है नहीं है पता नहीं है। नहीं, किसी भी पार्टी के व्यक्ति हो और किसी भी दल के या कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसका निंदा करना चाहिए, वो किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी जगह के हो। विचारधारा ये गलत है, गलत सही नहीं हो सकता, दल में रहने से कोई गलत करेगा तो वो सही नहीं हो सकता। पार्टी लाइन एक ही रहा है, मतलब आपको आप जो कोर्ट ने फैसला दिया उससे सहमत है? हाँ एकदम सहमत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राम सागर जी आपका, दिलीप जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, अधीश जी आपका, नीता जी आपका, हरकेश जी आपका, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। घटना चक्र में इतना ही, आप देखते रहिए जाएं टीवी, नमस्कार।